डिलीवरी के बाद जहाँ एक बहुत टफ टाइम होता है उनके लिए, बच्चे की देखभाल है, सेहत है, जो बड़ा स्ट्रेस आता है वो ये आता है कि उनकी बॉडी डीशेप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की पसंदीदगी का और बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, पसंदीदगी है, जिसकी वजह से नई चीज़ें लाने का मतलब एक हौसला होता है और एफर्ट होती है पूरी टीम की कि कुछ ऐसा किया जाए जो आपको समझ में आए, जो आपको पसंद आए और जो आप जानना चाहते हैं। जैसे कि आज की वीडियो है, ये ख़ास आपकी फरमाइश के ऊपर, बहुत ही फरमाइश के ऊपर बनाई गई है, इसलिए कि बेशुमार इसमें जो है सवालात थे, क्वेरीज थी फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब के ऊपर, कि इस मौजू के ऊपर, ख़ास इस टॉपिक के ऊपर जो है कोई वीडियो अपलोड की जाए, ताकि आपका ये मसला, ख़वातीन मर्द दोनों का ही मसला है लेकिन ख़वातीन के साथ ज़्यादा होता है, ये मसला जो है उनका हल हो जाए। जब मैं बताऊँगी तो अंदाज़ा हो जाएगा। होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वेट कंट्रोल कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन बहुत सारे मसलों का शिकार होती है, डिलीवरी के बाद जहाँ एक बहुत टफ टाइम होता है उनके लिए, बच्चे की देखभाल है, सेहत है, जो बड़ा स्ट्रेस आता है वो ये आता है कि उनकी बॉडी डीशेप हो जाती है। और लाख जतन करने के बाद, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, बहुत कोशिश करने के बाद वेट तो कम हो जाता है, सब कुछ फिट हो जाता है, लेकिन पेट कम नहीं होता है जी, तौल कम नहीं होती है, बढ़ा हुआ पेट, लटका हुआ पेट, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कितने पेशेंट्स आ रहे होते हैं जी, सब कुछ कर लिया लेकिन ये जो बढ़ा हुआ पेट है इसका क्या किया जाए। इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन हम भी कर रहे होते हैं, कैविटेशन होती है, हाइफो होता है, लेवल असेस कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंजेक्शंस होते हैं जो लगाए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो पेट है, बढ़ा हुआ पेट टोन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन हर कोई उन प्रोसीजर्स की तरफ नहीं पहुंच सकता, वहां तक या उसको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज जो मैं लेके आई हूँ बहुत ही एक बड़ी रिसर्च के बाद और बहुत ही ज़बरदस्त सा एक नुस्खा है जो कि आपने इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह अगर आप इसको जिस तरह से बताया जा रहा है इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा विद इन अ वीक आपको वाज़े डिफरेंस नज़र आएगा। जिसे कहना चाहिए कि आपको खुद फील होगा कि अगर बहुत ज़्यादा लटका हुआ पेट नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तौल नहीं है, तो एक हफ़्ते में वो सेट हो जाएगी। हाँ, अगर उसको आपने सालों पाला है, 20-25 साल उसको बड़ा किया है, उसके ऊपर टाइम लगाया, तो 20-25 दिन दे दीजिएगा, और अगर इतना बड़ा पुराना इशू नहीं है तो फिर जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और ये बहुत गौर से देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, इसलिए कि इसमें जो चीज़ें हैं ये कोई बहुत कॉमन चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब रेमेडी की तरफ चलने से पहले, मैं चाहूँगी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट करना ना भूलिएगा, इसलिए कि आपके कमेंट से, आपकी पसंदीदगी के इजहार से हम जो है मोटिवेट होते हैं और हमें ज़्यादा हौसला मिलता है कि हमें और अच्छा अच्छा करना है आपके लिए, आपको फ़ायदा पहुंचाना है। तो मेरी पूरी टीम और हम लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें आप देखते रहें तो कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद जो इसके बाद और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ आने वाली हैं फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो टाइम ज़ाय के अगर चलते हैं अपने आज की रेमेडी की तरफ, पेट लटक जाता है या लूज़ हो जाता है, तमी लूज़ हो जाता है, बढ़ा हुआ पेट कम नहीं हो रहा होता, उसके लिए है। इसमें आपने करना क्या है, और ये बहुत आसान है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन आसान है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन कॉफ़ी है, ग्रीन कॉफ़ी आपने ली है, मैं थोड़ा थोड़ा बना के दिखा रही हूँ, तकरीबन 1 स्पून ग्रीन कॉफ़ी का आपने पाउडर बना लिया है। इसमें आपने गोंद कतीरा डालना है 1 टीस्पून, उसको पाउडर बना के डालेंगे, और जब गर्म करते हैं तो वो वैसे भी मेल्ट हो जाता है। इसमें जो है हम यूज़ कर रहे हैं नेरोली ऑयल 1 टीस्पून, पचोली ऑयल, ये पचोली ऑयल है, ये जो ऑयल है ये एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये आपको किसी भी जो एसेंशियल ऑयल्स वाले सप्लायर्स होते हैं, एरोमेटिक ऑयल्स हैं, ये कोई सिंथेटिक ऑयल नहीं है, आप जितना प्योर ऑयल लेंगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एक यहाँ पे चीज़ क्लियर कर दूँ, जो मैं आपको ऑयल्स बता रही हूँ ये एसेंशियल ऑयल्स हैं, एरोमेटिक ऑयल्स हैं,
और ये आपको हर जगह नहीं मिलते, जो ख़ास सप्लायर्स होते हैं एरोमा ऑयल्स के आपको वहीं पे मिलेंगे। मैंने नेरोली ऑयल डाला है, फिर मैंने पचोली ऑयल डाला है। अगर ये ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्योर एसेंशियल ऑयल है तो समझिए आपको रिज़ल्ट उतनी ही जल्दी मिलेगा। जितने ऑयल के अंदर मिक्सिंग होगी या सिंथेटिक ऑयल होगा उसका रिज़ल्ट उतना ही कम हो जाएगा। नेरोली ऑयल जो है अपना ऑरेंज फैमिली का होता है और इसकी ख़ास बात ये होती है कि आपकी स्किन को जो उसका सेल है, जो लूज सेल है, उसको मसल को सेल को टाइट करता है और आपके स्किन के पोर्स को श्रिंक करता है। पचोली जो है उसकी एस्ट्रोजन पावर बहुत ज़्यादा है, बाइंडिंग इसके अंदर फोर्स होती है। जैसे आप उसको हाथ लगाएंगे ना आपको थोड़ा स्टिकी फील होगा, ये जाके आपके अंदर से जो आपका आपकी लूज स्किन हो गई है, मसल लूज हो गया है और ऊपर से भी जो स्किन लटक रही है उसको रिंकल्स हो गई हैं, क्रिपी हो गई है, उसको भी ये फर्म करता है, खींचता है। पहली एप्लीकेशन में आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपकी स्किन को टाइट कर रहा है, खींच रहा है, जैसे आपको फील होगा जैसे आपने कोई मास्क लगा के उसको टाइट कर दिया है। इसमें जो तीसरा ऑयल है वो मैं डाल रही हूँ फ्रैंकिंसेंस ऑयल। फ्रैंकिंसेंस ऑयल जो है ये ऑयल आप कहेंगे पता नहीं है कौन सा ऑयल आएगी, अब इसका नाम बताऊँगी तो आपको बहुत हंसी भी आएगी। फ्रैंकिंसेंस ऑयल जो है लोबान का तेल है। अच्छा आप कहेंगे अच्छा लोबान, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑयल लोबान का तेल, तो एसेंशियल ऑयल की जो ख़ास बात है वो ये है कि ये हर चीज़ का, लाइक उसमें हर्ब्स भी हैं, उसमें फ्लावर्स भी हैं, स्पाइसेस भी हैं, उसमें जो हमारे स्टोन्स भी हैं उनके ऑयल्स तैयार होते हैं। तो फ्रैंकिंसेंस जो है लाइक लोबान का जो तेल है ये भी प्योर एसेंशियल ऑयल है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस तरह लोबान फ़ायदेमंद है उसका तेल भी बहुत फ़ायदेमंद है स्किन को टाइट करने के लिए, स्किन की सॉइलिंग ख़त्म करने के लिए, अंदरूनी तौर पे जो सॉइलिंग वर्म आ जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन ऑयल है। इसको मैं तकरीबन डालूंगी 1 टेबल स्पून, इसकी क्वांटिटी डबल करेंगे हम। ये जो है आपका मिक्स आपने करना, इसको हल्की सी आंच देंगे, देखिए इस तरह का पेस्ट बन गया है ये। इसको जब हल्की सी आंच देंगे तो ये गम जो है इसके अंदर घुल जाएगी, गोंद जो है इसके अंदर पक जाएगा थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और इसको हल्का सा नीम गर्म। अच्छा इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको हल्का सा नीम गर्म लगाते हैं, मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। जब भी आपको लगाना है अपने पेट पे इसका तरीका क्या होता है कि आपने पहले कैस्टर ऑयल लेना है, कैस्टर ऑयल लेके हल्का सा गर्म करना, उसको हल्का सा मसाज करना है, तकरीबन 2 मिनट का मसाज करेंगे। उसके ऊपर आपने ये जो आपने जो एक पैक बनाया है, 3 ऑयल हैं इसके अंदर, नेरोली, फ्रैंकिंसेंस एंड पचोली, और उसके साथ हमने ग्रीन कॉफ़ी और गोंद डाला है, गोंद कतीरा, इसका जो आपने लेप सा बनाया इसको आपने लगाना है नीम गरम करके, लगा के उसके ऊपर जो पेट आपका है तो टमी जो है उसके ऊपर आपने कपड़ा मलमल का या आपने क्लिंग शीट जो प्लास्टिक की शीट होती है उसको टाइट करके बांधना। अच्छा इसको बहुत टाइट करके बांधना है, खींच के बांधना है और इसको बांध के कम से कम इसको आपने 2 घंटे के लिए छोड़ना है। दिन के वक्त बांध लीजिए जब आप आराम कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जब आप इसको बांध के काम करेंगे तो पसीना आएगा और ये जल्दी से स्किन को टाइट करता है। इसको आपने कम से कम 2 घंटे बांधना है, 2 घंटे के बाद आप इसको खोलेंगे और अपना नॉर्मल किसी कपड़े से साफ़ कर लेंगे। शावर लेना ज़रूरी नहीं है, गर्मियाँ हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इसको आप वाइप ऑफ कर लेंगे। ये आपने रोज़ाना करना है। अच्छा जिस वक्त इसको लगाएंगे उस वक्त एसी में नहीं बैठना है, बिल्कुल चिल आपने कमरा ना किया हुआ हो, ऐसे कि वहाँ पे थोड़ी सी आपको हीट चाहिए होगी, वो जो हीट है वो गर्मी जो पैदा होगी आपको पसीना आएगा तो वो आपको जल्दी रिज़ल्ट देगा। साथ ये है कि आपने जो अपने खाने के जो पोर्शंस हैं अपना खाना डाइट कंट्रोल करनी है, हर खाने के बाद एवरी मील के साथ जो है आपने अदरक, दालचीनी और पुदीने का कहवा पीना है। मतलब दोपहर में खाने के साथ आपने खाने के बाद पानी नहीं, अदरक, दालचीनी और पुदीने का कहवा पीना है। रात को भी आपने यही करना है, खाने के फौरन बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। ये तमाम चीज़ें आपने एहतियात के साथ इसको करना है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर इस्तेमाल करना है, तकरीबन 11 दिन तो आपने लगातार इस्तेमाल करना है। पहले 7 दिन में इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि अगर बहुत पुराना मसला नहीं है जो कि आपने 20-25 साल नहीं रखा हुआ है तो ये 1 हफ्ते में बहुत अच्छे से इंचेस को कम कर देता है और स्किन को बहुत तेज़ी के साथ टाइट करता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिए, फीडबैक देना ना भूलिएगा और वो तमाम लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।